प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम 5 मिनट की पाठशाला के 7वें एपिसोड में हम और आप मिल रहे हैं। विगत 6 एपिसोड हमने देख लिए हैं। 6वें एपिसोड में मैंने आपको समझाया था कि जैन धर्म में देवशास्त्र गुरु की आराधना होती है, जैन धर्म में पंच परमेष्टियों की आराधना होती है, जैन धर्म में 9 देवताओं की आराधना होती है। हमने देव के बारे में समझा, अरिहंत सिद्ध हमारे देव हैं और गुरु आचार्य उपाध्याय साधु हमारे गुरु हुआ करते हैं। आज हमको शास्त्र के बारे में समझना है। बच्चों, हर धर्म के पास एक धर्म ग्रंथ होता है, हर मजहब के पास एक किताब होती है जिसे पढ़कर लोग धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। वैसे जैनियों के पास भी एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम जिनवाणी है। तो जैनियों के शास्त्रों को जिनवाणी कहते हैं। हम जिस शास्त्रों को पढ़ के अपना कल्याण करते हैं वह जिनवाणी कहलाया करती है। तो आप एक बात याद रखो, हमारे शास्त्रों को जिनवाणी कहा जाता है। यदि बच्चों आपसे कोई पूछता है कि जिनवाणी क्या होती है, तो आपको एक ही शब्द याद रखना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है। जिस जिनेंद्र की हम उपासना करते हैं उनकी वाणी, उनके वचन, आगम के वचन जिनवाणी कहलाया करते हैं। तो जिनवाणी हमारे शास्त्र हैं, हम जिनवाणी पर श्रद्धा करते हैं, जिनवाणी की पूजा करते हैं। जिनवाणी किसने दी है? जिनेंद्र भगवान ने हमें जिनवाणी दी है। और यदि और समझना चाहें तो एक शब्द और आप सीख लीजिए, जिनेंद्र द्वारा कही गई। याद रखना, जिनेंद्र द्वारा कही गई और आचार्यों द्वारा लिखी गई वाणी को जिनवाणी कहते हैं। याद रहेगा, जिनेंद्र द्वारा कही गई, आचार्य द्वारा लिखी गई वाणी को जिनवाणी कहते हैं। वह जिनवाणी हमारे जीवन का कल्याण करती है, उसे ही पढ़ कर के हम मोक्ष की यात्रा करते हैं, उसे ही पढ़ कर के मोक्ष जाएं या ना जाएं, सांसारिक सुख की भी आकांक्षाएं हमारी पूर्ण होती हैं। यदि हम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो जिनवाणी जरूर पढ़ो। मालूम है आपको, जिनवाणी पढ़ने को स्वाध्याय कहा जाता है। बच्चों को मालूम होना चाहिए, स्वाध्याय का अर्थ होता है जिनवाणी का अध्ययन करना। तो आपको समझ में आया होगा, शास्त्र किसे कहते हैं? अरिहंत द्वारा, जिनेंद्र द्वारा कहे गए और आचार्य द्वारा लिखी गई वाणी को जिनवाणी कहते हैं। वे ही हमारे शास्त्र हैं, हम उनकी पूजन करते हैं, उनकी अध्ययन करते। ऐसी जिनेंद्र की वाणी को, ऐसी जिनवाणी को जो पढ़ते हैं, उन पर चिंतन मनन करते हैं, ऐसी जिनवाणी का जो अध्ययन करते हैं वह स्वाध्याय कहलाया करता है। तो हम रोज अरिहंत सिद्ध की पूजा करें, आचार्य उपाध्याय की सेवा करें और जिनवाणी का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय यानी पढ़ना, अध्ययन करना। तो ये 3 हमारे आराध्य हैं। जिनवाणी कि जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो अरिहंत भगवान हैं, वह सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ क्या होता है आप जान जाइए, आप समझ लीजिए। सर्वज्ञ वो होते हैं जो भूत, भविष्यत, वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस की बातों को जानते हैं और सकल विश्व को जानते हैं। जिन्हें सभी का ज्ञान होता है वह सर्वज्ञ हुआ करते हैं। और जो सर्वज्ञ होते हैं वही हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ ही हित का उपदेश करते हैं, और जो हित का उपदेश करते हैं वो वीतरागी हुआ करते हैं। वीतरागी भगवान जो हितकारी उपदेश करते हैं सर्वज्ञ होते हैं। तो क्या समझा हमने? जिनेंद्र द्वारा कही गई, आचार्य द्वारा लिखी गई वाणी जिनवाणी है, उन्हें हम शास्त्र भी कहते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। और जो जिनेंद्र होते हैं वह सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। बच्चों, यदि आपको कोई बात कठिन लग रही हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आपको लगे कि मेरे आगम के कुछ टेक्निकल शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे आप हमसे? अभी मेरे इस क्लास के तुरंत बाद इसी स्क्रीन पर आपको अंकित जैन दिल्ली का मोबाइल नंबर
दिखाई देगा, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। आप चाहें तो लिखकर और लिखकर ना चाहें तो वीडियो कॉलिंग से भी, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी व्हाट्सएप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछेंगे, आपको भी इस पाँच मिनट की पाठशाला में आपका चेहरा भी दिखेगा। इसे आप विशेष ध्यान रखिए।